Hello friends, welcome you all in my YouTube channel Solution of Civil Services. Today I am continuing the series of BPSC top 1000 questions. लास्ट के वीडियोस में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को देखा, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे 1000 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये जो 1000 क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ये ऑलरेडी बीपीएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुका है क्वेश्चन और यूपीएससी एग्ज़ाम्स में भी कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका जो अभी 65th बीपीएससी है जिसका टेंटेटिव मंथ ऑफ एग्जामिनेशन है सितंबर 2019, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा और जिसके मे बी नोटिफिकेशन विल कमिंग आउट इन जुलाई, और जुलाई में नोटिफिकेशन अगर आता है तो आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा और अक्टूबर नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट आप 65th बीपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, पीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सब ये 1000 जीके को आप बहुत सीरियसली वॉच कर लेंगे और को याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। जस्ट बिकॉज एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस होता है, एक क्वेश्चन की वजह से हम लोग मेरिट से पीछे रह जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप बहुत सावधानी से देखेंगे। और मेरे जो भी टोटल 40 वीडियोज़ आएंगे आपके, और ईच वीडियो में आपका 25 क्वेश्चन है, तो सारे वीडियोस को आप सावधानी से देख लेंगे। इसके अलावा बीपीएससी रिलेटेड और भी जो बिहार का जो सामान्य ज्ञान है उससे रिलेटेड भी वीडियोस मेरे डाले हुए हैं, आप उनको डिस्क्रिप्शन लिंक से आप उनको देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में 1857 में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज़ों की मदद की थी। तो ये 1857 का विद्रोह है, इसका अपने आप में इंडिया के जो भी एग्जामिनेशन है उनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और स्पेशली बिहार का जो उसमें आर्ट एंड कल्चर हो गया और बिहार का जो हिस्ट्री है वो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह है उस जितना वो पूरे इंडिया लेवल से ये फाइट को लड़ा गया था उतना ही आपको बिहार की भी इसमें अहम भूमिका रही थी। तो 1857 विद्रोह रिलेटेड जो वीडियोस है आपको इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ लेना चाहिए, ना सिर्फ पीटी के लिए बाकी मेंस के लिए भी, क्योंकि मेंस में हर साल आप अगर जितने अगर बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे आप हर साल 1857 रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता ही आता है, या तो उसमें वीर कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में पूछा जाता है, या फिर उसमें बिहार की भूमिका के बारे में पूछा जाता है, या फिर आलोचनात्मक अध्ययन करने के लिए पूछा जाता है। तो 1857 के बारे में आपको डिटेल्स में जाना है तो आपको मेरे हिस्ट्री के हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक है उसका डिटेल्स वीडियो अपलोड हो रहा है, और उससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा और उससे आपको डिटेल्स में बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया आपका जो 1857 ईस्वी में दरभंगा डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की थी, जो कि 1857 ईस्वी में जो कहा गया था कि 1857 का विद्रोह असफल रहा था, जो कि इसमें मुख्य कारण यह हुआ था कि हमारे पास जो प्रॉपर जो एक रणनीति होती है उसको हम लोगों ने फॉलोअप नहीं किया, और जो विद्रोह का जो एक डेट फिक्स किया था उसके पूर्व में ही विद्रोह हो गया था। दूसरा में कि यहाँ के जो जमींदार राजा थे वो उन लोगों ने ही यहाँ के जो स्थानीय क्रांतिकारी हैं या फिर आंदोलनकारी हैं उनको मदद नहीं की थी, वो अंग्रेज़ों की मदद किए थे, और इसके लिए उन्होंने अपने सेना भी दी थी, अपने धन का कोष था उससे भी उससे अंग्रेज़ों की मदद की थी, आदमियों से भी मदद की थी, तो इसकी वजह से हमारा जो आंदोलन है एक तरह से विफल रहा था। तो ये आपका आंसर हो गया दरभंगा डुमराव हथुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बरौनी तेल शोधा कारखाने को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन से जोड़ा गया है? आंसर है इसका नरकटिया असम से। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर 243 है। धीमन और उसके पुत्र बिठपाल किन पाल शासकों के समकालीन थे? तो धीमन और उनके पुत्र बिठपाल धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे।
क्वेश्चन नंबर 55, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, यूपीएससी में भी बहुत बार आया, बीपीएससी में भी बहुत बार आया और अदर स्टेट के एग्जाम्स में भी या बैंकिंग रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है। तो 1857 का विद्रोह के बारे में आप जितना ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मेरे वीडियो से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बुक को पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है और बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, और नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी का आप ऑनलाइन पीडीएफ भी डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस खनिज संसाधन के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है? इसका आंसर है पायरेट। लास्ट के बीपीएससी में पूछा गया है ये। काश्तकारों को अधिकार दिया गया था, यह बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, 1899 से 1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो गया बिरसा मुंडा। और चूँकि ये अविभाजित बिहार का हिस्ट्री का पार्ट है, बिहार झारखंड जो आपका 2000 ईस्वी में अलग हुआ था 15 दिसंबर को, तो उसके पूर्व जो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है वो बिहार की हिस्ट्री का पार्ट रहा है। तो ये आपको बिरसा मुंडा और के मुंडा आंदोलन के बारे में अभी भी आपके जो बीपीएससी में भी पूछा जाता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और जेपीएससी में भी मेंस में इनसे रिलेटेड ब्रीफ में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार मुंडा आंदोलन के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। और अभी मैं आपको जेपीएससी के जब वीडियो अपलोड करूँगी और बीपीएससी के, जिसमें हिस्ट्री का पोर्शन में आपको इनके बारे में आंदोलन के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में किस भूमि पर व्यवस्था पर रोक लगाई है? यह एक खुटकट्टी भूमि व्यवस्था है जिस पर छोटा 1908 का जो सीएनटी एक्ट है, इसको शॉर्ट में सीएनटी बोलते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, तो इस पर आपको 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई है। क्वेश्चन नंबर 16, 1916 ईस्वी के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल थे? इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल एवं ब्रजकिशोर प्रसाद। लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पहले भी अदर एग्जाम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में चितरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गया। 1922 में चितरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के गया जिले में आयोजित किया गया। एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में है? यह का भागलपुर जिले में है, जो कि एनटीपीसी का नियंत्रणाधीन ताप विद्युत संयंत्र है। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामी हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई? तो 1934 के पार्टी के अंजुमन इस्लामी हॉल में औपचारिक रूप से भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की घोषणा की गई, पार्टी के गठन की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1935 के अधिनियम से बिहार में विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए क्रमशः कितनी सीटों की व्यवस्था की गई थी? तो इस अधिनियम के अनुसार विधानसभा के लिए 30 और विधान परिषद के लिए 30 और विधानसभा के लिए 152 सीटों की व्यवस्था की गई थी। 1935 का अधिनियम जो है आपका बहुत ही हमारे जो भारत के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि 1935 के अधिनियम का एक बेस था, जो कि अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हमारे जो संविधान निर्माण हो रहा था, तो बहुत हद तक 1935 का जो अधिनियम था उसमें उसका एक कह सकते हैं कि उसके एक बेस मिला था आपको 1935 के अधिनियम से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो ये आपका गया में हो गया, गया में आपका बेरिलियम पाया जाता है। और यहाँ पे आपको एक और जो क्वेश्चन अभी लास्ट में आप पूछ रहे हैं, बिहार में किस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार है? तो
तो ये दो खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन में आपका दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67, पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर पटना विश्वविद्यालय का चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो ये था रामगढ़ जिले में, जो कि अभी वर्तमान में यह झारखंड में है, जो कि पहले यह हजारीबाग जिले में पड़ता था, अभी वर्तमान में यह हजारीबाग से यह रामगढ़ नए जिले का निर्माण हुआ है, और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था, क्योंकि यह अविभाजित बिहार का यह बिहार विभाजन से पूर्व यह बिहार का हिस्सा रहा है, इसलिए BPSC में पूर्व क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जिले में रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 70, 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? सचिवालय गोलीकांड बहुत ही फेमस है, ये बहुत बार आपको ना सिर्फ बिहार के एग्जाम में पूछा गया बल्कि झारखंड के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। यह आपका सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था यह बिहार के पटना जिले में 11 अगस्त 1942 को हुआ है। 1946 में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो यह स्वतंत्रता के क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है, और एक क्वेश्चन अलग से पूछा था कि स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है। तो दो क्वेश्चन दोनों डिफरेंट हैं, बट आपका आंसर यहाँ पे समझ लीजिए कि जो स्वतंत्रता के पूर्व जो आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे वह आपका श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 72, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? वे अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार विधानसभा में 1952 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 331। आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो यह 1991 से 2001 में, जिसमें से देखिए जनगणना, बिहार की जनगणना रिलेटेड कम से कम दो क्वेश्चन आपको हर BPSC में पूछा जाता है। तो बिहार की जनगणना जो कि 2011 का जो जनगणना हुई थी, तो उसको आप डिटेल्स में ज़रूर पढ़ लीजिए। एक वीडियो अपलोड करूँगी 2011 की जनगणना, जो कि बिहार राज्य के संदर्भ में होगी, तो उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन जरूर पूछा था, जिसे कि 64वें BPSC में साक्षरता दर के बारे में पूछा गया था। तो किसी भी BPSC में यहाँ के आपको शिशु मृत्यु दर के बारे में पूछा जाता है, कभी लैंगिक अनुपात पूछा जाता है। तो ये जो जनगणना है उससे रिलेटेड आपको जो भी फैक्ट्स है उसको जरूर याद रख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 28.62% जो आपका जनसंख्या मृत्यु दर रही थी, और यह सर्वाधिक रही थी, और जो कि 1991 से लेकर 2001 के दशक में रही थी। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे सब क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100, और इस तरह हम लोग बढ़ते हुए टोटल 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और हर क्वेश्चन को आप बहुत सावधानी से याद रख लीजिए, क्योंकि देखिए अब जो BPSC का पैटर्न है वो भी धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है, धीरे उसमें जो ट्रेंड्स हैं वो जस्ट लाइक UPSC के टाइप या UPSC के CSET के तर्ज पर क्वेश्चन आपको धीरे धीरे चेंज किए जा रहे हैं। तो आपके लिए एक छोटे छोटे फैक्ट्स को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये जो आपको एक जर क्वेश्चन है ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके BPSC में भी आ चुके हैं और UPSC के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो इन क्वेश्चन को आप बहुत सावधानी से आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर नोट नहीं करना चाहते तो ज़रूरी भी नहीं है, आपको मैं आपको PDF अपलोड कर दूँगी, आप सारे PDF से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो को मेरे दो बार देख लीजिए, काफ़ी है, वो आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे और कमेंट की ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।